बेगूसराय जिले में जहरीली शराब पीने से दो व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद गांव में दहशत फैल गया। घटना बकड़ी थाना क्षेत्र के गुड़ियारी गांव की है। मृतकों की पहचान गुड़ियारी निवासी राजकुमार सहनी और सकलदेव चौधरी के रूप में की गई है। वहीं गंभीर व्यक्ति का नाम बिरजू सहनी बताया जा रहा है। घटना के संबंध में बताया गया है कि तीनों ने रात में एक साथ शराब पी थी, जिसके बाद तीनों की हालत खराब होने लगी। देखते ही देखते राजकुमार सहनी और सकलदेव चौधरी की मौत हो गई। वहीं बिरजू सहनी की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है, जिसका इलाज बेगूसराय के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। तो आपको बता दें कि तीसरी खबर भी जहरीली शराब से हुई मौत पर है। आपको इससे पहले हमने नवादा की खबर दिखाई, रोहतास की खबर दिखाई, और बेगूसराय में भी जहरीली शराब ने दो जिंदगियों को की छीन ली है जिंदगियां, और अभी फिलहाल एक व्यक्ति जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज नारायण सिंह हैं फोन लाइन पर। मनोज जी, जिस तरह की खबरें आ रही हैं लगातार कई जिलों से, बेगूसराय, नवादा, रोहतास, तमाम जिलों से आ रही है कि जहरीली शराब पीने से मौत हुई है, जबकि पिछले बीते एक महीने से पुलिस प्रशासन लगातार यह दावा कर रही है कि अंकुश लगाने में हम सफल रहे हैं शराब माफियाओं के खिलाफ, लेकिन इस तरह की खबरें आखिर क्या दिखा रही हैं? देखिए मंजुला, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, और जिस तरह से विपक्ष के जो भी नेता हैं, विपक्षी पार्टियां जो भी हैं, विधानसभा हो या फिर या सड़क पर हो, ये उतर करके ये लोग लगातार हल्ला करते रहते हैं कि शराबबंदी ये कानून बिहार में लागू है लेकिन खुलेआम शराब बिक रही है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है, विपक्षियों का दावा कहीं ना कहीं सही दिख रहा है। दूसरी बात मंजुला ये है कि जब शराबबंदी है, वैसी स्थिति में पुलिस कहीं ना कहीं नाकामयाब है शराब को, शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए। हालांकि एक्साइज डिपार्टमेंट को भी इसके पीछे लगाया गया है, लेकिन एक्साइज डिपार्टमेंट के पास में जो मैन पावर है वो कम है। तो जिस तरह से लोग आरोप ये लगाते रहे हैं कि बिहार पुलिस के जो भी जवान है, बिहार पुलिस इस धंधा को को फलने फूलने में मदद कर रही है, पुलिस पैसा लेकर के शराब बिकवा रही है, तो ये तमाम तो आरोप हैं ही, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो जहरीली शराब से मरने की बात जो सामने आ रही है, इसमें चूंकि शराबबंदी कानून लागू है, ऐसी स्थिति में बहुत सारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर शराब को बनाया जा रहा है, शराब जो नशीला पदार्थ है उनको मिला करके, जिसमें बैटरी का पानी भी होता है, महुआ भी होता है, तरह तरह के जो भी सामान होते हैं, ये लोग मिला करके नशीला पदार्थ बनाते हैं जिसको लोग पी करके नशा पान करते हैं, नशा में लोग आते हैं। हम समझना चाहेंगे कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि ग्रामीण स्तर पर यह शराब बनाया जा रहा है, लेकिन हमने परिजनों की बाइट सुनी और हमारे संवाददाता जो वहां पर मौजूद है वो ये कह रहे हैं कि इसमें बड़े माफिया भी शामिल हो सकते हैं। तो ये जानना चाह रहे हैं कि इसमें बड़े माफिया शामिल है या फिर ग्रामीण स्तर पर जो बनाए जा रहे हैं शराब, उसकी वजह से इनकी मौतें हो रही है। देखिए, इसमें कह सकते हैं कि माफियाओं की भूमिका बहुत इसमें संदिग्ध है। जब बाहर से उन लोगों को शराब जब नहीं मिल पा रहा है, तो वैसी स्थिति में दूर दराज क्षेत्रों में, फुलवारी में, नदी के किनारे, चौड़ में, वैसी जगहों पर ये शराब ये लोग बना रहे हैं, बनवा रहे हैं और उसको धड़ल्ले से लोग बेच रहे हैं। पैसा कमाने की हवस में लोग कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है। और खास करके शराब के लिए लोग पैसा अच्छा खर्च करते हैं, तो पैसा कमाने के लिए ये शराब बनाने का भी गोरख धंधा बिहार में फल फूल रहा है। आए दिनों ये खबरें आती रहती हैं कि इतना लीटर जो है यहाँ पर शराब बनाया जा रहा था, ध्वस्त कर दिया गया, शराब बनाने की फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया गया। तो आखिर शराब बनाने की फैक्ट्री कोई बड़ा सा कोई बड़े लेवल पर तो फैक्ट्री होता नहीं है, वही सब होता है जो कंटर होता है, टीना होता है, उसमें बैटरी का पानी, महुआ, ये सब मिला करके जो नशीला पदार्थ है उसको मिला करके लोग अपने से बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट भी करते हैं और इसी में लोगों की जान भी जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि इन पदार्थों को, इन सामग्रियों को जमा करके शराब बनाने की जो कवायद है, इसमें माफियाओं की भूमिका बहुत ही
संदिग्ध है, माफियाओं की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। एक सवाल मनोज जी आपसे यह है कि जिस तरह की शराब की मरने वालों की घटनाएं सामने आई है शराब से, वो 3-4 जगहों से आई है और इससे पहले भी जहरीली शराब पीने से लोग मरे हैं, लेकिन होली के दिन जिस तरह की घटनाएं सामने आई है होली के आसपास की, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये किसी साजिश की बू इसमें सामने आ रही हो, किसी की साजिश हो सकती हो? देखिए, इसमें साजिश तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन चूंकि होली का पर्व है और होली के पर्व में ये सदियों से ये परिपाटी आती रही है कि लोग नशा पान करते हैं, शराब पीते हैं, भांग पीते हैं, तो वैसी स्थिति में होली का जो पर्व है वो लोग मनाते हैं। हालांकि बहुत सारे क्षेत्रों में, बहुत सारे जगहों पर ये भी सुनने को हम लोगों को मिला है कि शराबबंदी के चलते होली हम लोगों का फीका हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि होली पर्व जो होता है वो खास करके शराब के लिए ही मशहूर होता है, खाना पीना, रंग गुलाल ये सब होता है, मौज मस्ती का होता है। तो वैसी स्थिति में शराब के सेवन करने के लिए, हालांकि होली के पर्व आने के पहले बहुत जगह बॉर्डर इलाके में बहुत जगह छापेमारी हुई है, बहुत जगह शराब पकड़े गए हैं, लेकिन जो शराब माफिया है वो शराब कैसे बनाया जाए, हालांकि बाहर से एक्सपोर्ट, बाहर से इंपोर्ट होने को तो रहा, पुलिस जो है चाक चौबंद अपनी व्यवस्था की हुई थी, लेकिन अंदरूनी जो जो अपना जो क्षेत्र है, जो सेफ क्षेत्र है, उसको तलाश कर माफियाओं ने शराब बनाना शुरू कर दिया। और जिसमें एक और बात इसमें मंजिला सामने आ रही है कि धतूरा को भी इसमें मिलाया जाता है, क्योंकि धतूरा में, धतूरा जो होता है वो उसमें नशा होता है, उसको भी मिलाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग जो मिलाने का जो मिश्रण होता है, कितनी मात्रा में किसको मिलाया जाए, ऐसा हो सकता है जो सूत्र बता रहे हैं कि ये लोग मात्रा ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं और ये लोग बना दे रहे हैं, जो लोग पी रहे हैं वो लोग मर जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस पर भी माफियाओं पर भी पुलिस को नकेल कसना होगा। और सबसे बड़ी पुलिस पर नकेल कसने की बात कर रहे हैं पुलिस को, लेकिन इस पर एक सवाल यह भी है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एक आरोप लगाया है, कह सकते हैं नीतीश सरकार पर, दबी जुबान से, कि नीतीश सरकार अंकुश लगाने में विफल रही शराब माफियाओं पर और बड़े अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की बात कह रहे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। तो इसे किस रूप में आप देखते हैं, क्या बीजेपी जेडीयू शराबबंदी को लेकर एक दूसरे के आमने सामने हो गए? अपना सवाल दो रहा है, सवाल यह है कि इस मामले को लेकर राजनीति भी तेज हो गई, विपक्ष तो लगातार आरोप लगाता रहा ही है नीतीश सरकार पर कि वह शराब माफियाओं से मिली हुई है, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी कह दिया है कि जिस तरह से शराबबंदी, शराब को लेकर के मौतें सामने आ रही हैं, नीतीश सरकार को कड़े कार्रवाई करने चाहिए थे, बड़े अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थे, नहीं तो इस तरह के हादसे नहीं होते। देखिए, शराबबंदी कानून को लागू करना नीतीश कुमार का अपना ये फैसला था जी। तो चूंकि शासक वो हैं, बिहार के मुख्यमंत्री वो हैं, उन्होंने अपना निर्णय लिया, उनकी मंसूबा ये अच्छी थी कि शराबबंदी लागू होने के बाद में बहुत सारे परिवार को सुकून मिलेगा, बहुत सारे परिवार बर्बाद हो रहे हैं और खास करके महिलाओं की उन्नति में कहीं ना कहीं ये शराब दारू है वो कहीं ना कहीं बाधा है। इसको लेकर के नीतीश कुमार ने अपना खुद का फैसला लिया था कि हमारे सूबे में शराबबंदी कानून लागू होगा, लेकिन चूंकि बिहार में एनडीए में बीजेपी भी सहयोगी पार्टी है, जेडीयू भी इस पार्टी में एनडीए में है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी का ये कहना कि नीतीश कुमार को कार्रवाई करना चाहिए बड़े अधिकारियों पर, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी का भी कहना जायज है। और जो आरोप विपक्ष भी लगा रही है, अगर पुलिस अगर चाह ले मंजुला, अगर पुलिस चाह ले तो किसी भी थाना क्षेत्र में किसी भी जगह पर न क्राइम होगा और ना ही एक बोतल दारू मिलेगा, लेकिन पुलिस चाहती नहीं है। विपक्ष का जो दावा है, विपक्ष का जो कहना है, कहीं ना कहीं ये जायज प्रतीत होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नींव है, जो पुलिस तंत्र का जो नींव है, वही कमजोर है, जहां पर किसी की निगाह नहीं पड़ रही है, और वो नींव है चौकीदार। अगर चौकीदार अगर सजग अगर रहे तो वैसी स्थिति में जी मनोज जी, समय की कमी के कारण आपको रोकना चाह रहे हैं, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज नारायण सिंह जुड़े हुए थे, उनका ये कहना है कि विपक्ष जिस तरह से आरोप लगा रहा है नीतीश सरकार पर शराब माफियाओं से साठगांठ का, तो जिस तरह की खबरें सामने आई हैं शराब की वजह से मौतें की, कहीं ना कहीं विपक्षियों के आधार कहीं पुष्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं विफल हो रही है नीतीश सरकार इन शराब माफियाओं पर अंकुश लगाने में।